नमस्ते, मैं साथी देव सत्या, विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 64। विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे अनुशासन के बारे में, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व वो महान बनता है तो अनुशासन से बनता है। अनुशासन उसी को कहते हैं जो शासन के अनुसार कार्य करता है, उसको अनुशासन कहते हैं। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे धर्म में बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना कार्य, अपने धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने अनुशासन का पालन किया। जैसे भगवान श्री राम आज वो सभी के लिए एक भगवान के तुल्य हैं। वो इंसान ही थे लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, उन्होंने अपनी सोच से, उन्होंने अपने विचार से, अपने चिंतन से उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि आज वो सभी के हृदय में भगवान बनकर के उनका स्थान दिखाई देता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक इंसान से, एक मनुष्य से एक महानायक बनने का उसके अंदर बीज छुपा हुआ होता है, लेकिन उस बीज को हमें खाद, पानी, सूर्य की रोशनी देनी होती है। लेकिन अगर उसमें से कुछ भी कमी रह गई तो वो उसकी उन्नति में कमी रह जाएगी। तो हम सब के जीवन में, हम सब के व्यक्तित्व के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है अनुशासन। अगर हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन अनुशासन नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ कहलाता है। वैसे ही कोई कितना भी विद्वान हो, कोई कितना भी नॉलेजेबल हो, कोई कितना भी महान हो, किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर का बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके जीवन में अनुशासन नहीं है, संस्कार नहीं है, अपने धर्म को पहचानने की उसके अंदर कला नहीं है, एक कंकड़ के समान उसका जीवन हो जाता है। इस प्रकार एक बहुत ही कटोरा भर के आप खीर बनाए, मलाई मलाईदार हो, लेकिन पूरे खीर में एक छोटा सा भी अगर कंकड़ गिर गया तो पूरे खीर का जो स्वाद है, खीर का जो महत्व है पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन मात्रा किसकी है? मात्रा तो मलाई की है, खीर की है, लेकिन अधिक मात्रा तो उसी की है। लेकिन छोटा सा कंकड़ है, अगर वो खाते समय दांत में फंस जाता है तो पूरा जो स्वाद है, पूरा जो आनंद है वो किरकिरा हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। अगर हमारे जीवन बहुत सारे गुणों से हम भरपूर हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों में, हमारे गुणों में एक छोटी सी भी अगर कहीं कमी रह जाती है तो वो सारे गुणों को दबा करके वो जो कमी है वो दिखने लग जाती है। तो वैसे हमें ध्यान देना है कि हमें अपने अनुशासन में रहना है, हमें अपने संस्कारों में रहना है, हमें अपने धर्म में रहना है, हमें छोटी सी भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी। अगर हम छोटी सी भी कमी को दूर भगा देंगे तो हमारा जीवन जैसे भगवान राम का जीवन था, जैसे भगवान कृष्ण का जीवन था, जैसे महर्षि दयानंद जी का जीवन था, जैसे हमारे वीर वीरांगनाओं का जीवन था, हम वैसे बन पाएंगे। और हम सबके अंदर वही सामर्थ्य है, हम सबके अंदर वही बीज है, हम सबके अंदर वही एक कुशलता है, लेकिन हमें बनना है। उसको बनने के लिए हमें करना है, सर्वप्रथम करने के लिए बारे में सोचना है। बनना तो अपने आप हो जाता है, उसके बारे में हम करना सोचे कि हमें करना क्या है। तो करना इतना ही है कि हमें अपने जीवन में एक छोटी सी भी कमी नहीं छोड़नी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन अपने जीवन में छोटी सी भी गलती नहीं छोड़नी। कभी अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उस अगर भूल को पता चलते ही, जानकारी होते ही दोबारा भूल ना हो। जब हम ऐसे सजग होंगे, जो अपने ऊपर चिंतन करेगा वो वही तो अपने आप को महान बना पाएगा। तो हम चिंतन करें, हम देखते हैं जिस भी विषय पर, जिस भी क्षेत्र में हम चिंतन करते हैं, ध्यान देते हैं, हम उस पर अपना समय, शक्ति लगाते हैं, सामर्थ्य लगाते हैं, वो कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है, उसमें परफेक्शन भी आ जाता है। जैसे आप संगीत वालों को देखते होंगे, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, जैसे एक संगीत वाले हैं और संगीत वाले वो अपने उस क्षेत्र पर एक महारत हासिल करने के लिए,
उसके लिए वो 8-8 घंटे 12-12 घंटे उसमें पुरुषार्थ करते हैं, कई बार उसको रियाज करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले लेकर के उसको कंटिन्यू 18-18 घंटे उसके लिए रियाज करते हैं, तब जा कर के वो एक अच्छे सिंगर बन पाते, अच्छे संगीतकार बन पाते हैं। वैसे हर क्षेत्र में के लिए है, अगर किसी भी क्षेत्र पर आप बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसे ही पुरुषार्थ करना होगा। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे आपको फल भी उतना ही मिलेगा। आप कहेंगे कि जिसके पास समय नहीं है तो क्या वो अच्छा संगीतकार नहीं बन सकता, अच्छा वो किसी क्षेत्र पर नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है, लेकिन वो जितना कार्य करेगा, जितना उसमें समय लगाएगा, वो उतना ही बन सकता है। तो इसलिए हमें जो करना है उसके लिए हमें समय लगाना होगा, और इन सब कार्यों के लिए, इन सब को आगे लेकर के चलने के लिए उसमें जो मूल में है, जो जड़ है उसका, वो है हमारा व्यक्तित्व, वो है हमारा अनुशासन, वो हमारी संस्कृति है। तो अपने संस्कृति को बचा करके रखना है, अपने धर्म के मार्ग पर चलना है, अपने अनुशासन के मार्ग पर चलना है, और जो अनुशासन के मार्ग पर चलता है वो कभी भी असहाय नहीं होता, वो कभी भी निराश नहीं होता, वो कभी भी हताश नहीं होता। तो हम सबको कई कर्तव्य हैं कि अनुशासन को ध्यान में रखते हुए चले। अब आप कहेंगे कि अनुशासन आखिर क्या है, अनुशासन किसे कहते हैं? जो सही है उस कार्य को करना, जो सही नहीं उस कार्य को ना करना, इतना ही तो मात्र अनुशासन है? नहीं, अनुशासन बहुत विशाल है। अनुशासन के कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि जो कार्य हम करें, जो हमें आदेश मिलता है अपने माता पिता की तरफ से, अपने गुरु की तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से, तो उस आज्ञा को हम बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उस आज्ञा को स्वीकार करें, ये अनुशासन का पहला कदम होता है। हम कोई भी कार्य करें, लेकिन भले ही कितना कठिन कार्य क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उस कार्य को, कोई भी हमें आदेश देता है, कोई भी हमें आज्ञा देता है, कोई भी हमें उस कार्य को करने के लिए कहता है, तो उस समय हमें कैसे स्वीकार करना है, उसको मुस्कुराते हुए खुशी से स्वीकार करना है। अनुशासन बाह्य नहीं होता, अनुशासन आंतरिक होता है, आभ्यंतर होता है। अगर हम अनुशासन किसी से बाह्य रूप से जबरदस्ती मनवाते हैं, फोर्स करके मनवाते हैं, एक दिन वो विद्रोह का रूप ले लेता है, वो एक न एक दिन टूट सकता है। लेकिन जो अनुशासन, जो कार्य अभ्यंतर से किए जाते हैं, अपने स्वयं से किए जाते हैं, अंदर से किए जाते हैं, अपनी आत्मा की पुकार से किए जाते हैं, वो कभी भी विद्रोह का रूप नहीं ले सकता। तो इसलिए हमें जो भी कार्य करना है उसको अपने अंदर से सोचना है, अभ्यंतर से उसको स्वीकार करके चलना है। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति, चाहे हमारे गुरुजन हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे कोई बड़े व्यक्ति हैं, कोई हमारे बड़े हैं, वो अगर हमें कुछ भी कार्य करने के लिए कहते हैं तो उनके कार्यों को, उनकी आज्ञा को हमें बिना कुछ सोचे समझे मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए। यह अनुशासन का पहला कदम होता है। भले ही उस समय हमें वो कार्य अच्छा नहीं लग रहा, उसके बारे में हमें लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर लाभ नहीं दिखाई देगा तो हम पीछे हटने लग जाते हैं, तुरंत हमें लाभ नहीं दिखाई देगा तो हम उसको कार्य को करने में हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें इतना विश्वास हो जाए, अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें, तो हम अपने अंदर इस कार्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं कि कोई भी अगर हमें गुरुजन, माता पिता, कोई बड़े जो हमारे हित के बारे में सोचते हैं, जो हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं, कोई हमें आज्ञा देते हैं, तो उससे हमें मुस्कुराते हुए, हमें आनंद से खुशी खुशी हमें उसको स्वीकार करना है। अगर हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे तो वो कार्य में वो हमें थकान नहीं होगी, वो कार्य में हमें बोरियत महसूस नहीं होगी, बहुत आसानी से हम उस कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे। तो पहला कदम है कि हम किसी भी कार्य में तर्क वितर्क ना करें, कोई अगर हमें आज्ञा देता है तो उसको हमें सहज स्वीकार करें। तो अगर हम पहले कदम को बढ़ा लिया तो फिर हमारा दूसरा तीसरा कदम बढ़ने लग जाता है। इसलिए पहले कदम से, पहले सीढ़ी से, प्रारंभ से ही हमें ध्यान देना है कि हमें प्रारंभ में ही कैसे कार्यों को करना है। अगर हमें जीवन में बहुत महान बनना है, बहुत कुछ करना है, इस मनुष्य के जीवन में संतुष्ट होना है, अपने जीवन से संतुष्ट होना है, तो हम अपने आप से संतुष्ट हों, हम अपने सोच से संतुष्ट हों, हम अपने कार्यों से संतुष्ट हों। कोई भी व्यक्ति हमें संतुष्ट नहीं कर सकता,
कोई भी वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, केवल और केवल हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमें संतुष्ट रखना है, हमें अपने आप में तृप्त होना है, तो हम किसी और से अपेक्षाएं ना करें, हम किसी वस्तु की अपेक्षाएं ना करें, क्योंकि वस्तु वो क्षण भंगुर है, वो तो एक आई है तो कल चली ही जाएगी। जो वस्तु, जो चीज़, जो व्यक्ति, जो हमें मिला है, वो एक न एक दिन हमसे छूट ही जाएगा। फिर उससे हमें कौन सी तृप्ति, कैसी तृप्ति, कैसा संतोष वो हमें नहीं देने वाली। इसलिए हमें जो मिलेगा वो हमें स्वयं से मिलेगा, और हम स्वयं और देने वाला है वो परमपिता परमात्मा, वही तो हमें जीवन दिया है। और जब वो जीवन दिया है तो हमारी रक्षा वही करेगा, जो पूर्ण शत प्रतिशत जो उसके ऊपर विश्वास है उसी के ऊपर रखना है। शत प्रतिशत विश्वास केवल और केवल परमपिता परमात्मा के ऊपर रखना है, बाकी कार्य तो सबका करना है, क्योंकि मनुष्य का कभी मूल्यांकन नहीं कर सकता। कोई उसकी सेवा करता है, उस सेवा का मूल्य कभी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई कार्य करता है, उस कोई व्यक्ति जैसे कोई जॉब करता है, उस जॉब का जो उसको फल मिलता है, जो उसको पैसे मिलते हैं, थोड़े से वेतन मिलते हैं, वो उसकी कार्य का वो मूल्यांकन नहीं हो सकता, उसके कार्य का तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो परमपिता परमात्मा को स्वीकार करके कार्य होता है, केवल और केवल वही है जो आपकी कार्य का आपको सही मूल दे सकता है। नहीं कोई व्यक्ति हमें किसी भी कार्य का सही मूल दे ही नहीं सकता, तो हम किसी से अपेक्षाएं क्यों करें। केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही देता है, लेकिन हमें कार्य सभी करने होते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। और जब ईश्वर ने हमें समाज में, हमें एक समाज के बीच में जब हमें पैदा किया है, तो समाज को तो लेकर के चलना है, समाज के साथ मिल करके चलना है। लेकिन अपेक्षाएं केवल और केवल हमें परमपिता परमात्मा से करना है। अगर हमें कोई तृप्त करेगा, हमें कोई संतुष्ट करेगा, अगर हमारे जीवन में को कोई समझ पाएगा, अगर हमारी भावनाओं को कोई समझ पाएगा, तो केवल ईश्वर ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए सभी की सेवा करें, सभी का कार्य करें, सभी को का सहयोग करें, लेकिन किसी से अपेक्षाएँ ना करें। अगर हम अपेक्षाएं करते हैं, वही अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण हो जाती हैं। हम टेंशन में चले जाते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उस मेंटली डिस्टर्ब को ठीक करने के लिए फिर हम हॉस्पिटल से और दवाइयां खाने लग जाते हैं। एक तो मन से हम दुखी हैं और हम दवाइयां खा खा करके तन से भी दुखी होने लग जाते हैं, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है। हमारे मन का इलाज, हमारे तन का इलाज, हमारे स्वयं की तृप्ति का इलाज हमारे पास स्वयं होता है। इसलिए जब हमारे पास स्वयं है तो हम किसी दूसरे से क्यों मांगे। जब हम इतना भी समझ जाएंगे, हम छोटी सी बात अपने जीवन में अगर धारण कर लेंगे, कोई हमें बनाने वाला, हमें कोई तृप्त करने वाला, हमें कोई संतुष्ट करने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जब हम ऐसे अपने जीवन में चिंतन करेंगे, चिंतन करके चलेंगे, तो फिर हमें कोई भी दुखी कर ही नहीं सकता। किसी का भी इतना सामर्थ्य नहीं होता कि जो हमें अपने पथ से, हमारे मार्ग से हमें विचलित कर सके। वो तो जब हम स्वयं विचलित होते हैं तभी हमें कोई दूसरा विचलित कर सकता है, और जब तक हम विचलित नहीं होंगे तब तक कोई भी किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें विचलित कर सके। इसलिए हमें स्वयं पर विश्वास होकर रखना है, स्वयं पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने कार्यों पर विश्वास रखें। जब हम स्वयं पर विश्वास रखेंगे तो हमें कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता। इस सब कार्यों से हमारा अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा अनुशासन हमारे शिखर पर है, अगर अनुशासन को हम लेकर के चलते हैं, उसका हम पालन करते हैं, तो पहला कदम, जैसे मैंने कहा, पहला कदम है कि कोई किसी की आज्ञा को, किसी के कार्य को हम सहज स्वीकार करें, हम अपने अंदर से अभ्यंतर से स्वीकार करें। और किसी भी कार्य को हम अंदर से अभ्यंतर से स्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए एक औषधि का कार्य होता है, वो हमारे लिए एक दवा का कार्य होता है। जैसे औषधि, कोई भी कार्य हम औषधि के रूप में लेते हैं तो वो हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। अगर किसी भी कार्य को, किसी भी वस्तु को अगर हम भोग के रूप में लेते हैं तो वो हमारे जीवन को और गिराने वाला होता है। तो उसको हम औषधि के रूप में लें, चाहे हमारे विचार हों, चाहे हमारी दृष्टि है, चाहे हमारी सोच है, चाहे हमारे विचार हैं, कोई भी है, कुछ भी है,
उसको हम औषधि समझ करके और अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उभारने का हमेशा प्रयास करें। जब हम ऐसे बढ़ेंगे, और दूसरा कदम है अनुशासन का, कि समय का कभी भी दुरुपयोग ना करें। हम समय का बहुत दुरुपयोग कर लेते हैं। हम समय को ऐसे समझ लेते हैं कि तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। नहीं, समय हमारे पास जो है वो बहुत सटीक है, बहुत मैक्सिमम है, वो बहुत कुछ करने के लिए है। और जब हम बहुत कुछ करेंगे तो उसके लिए भी समय कम पड़ सकता है। जब हम अपने कार्यों में जब बिल्कुल संलग्न हो जाते हैं तो समय बिल्कुल थोड़ा हो जाता है। आप भी इसका अनुभव अवश्य किए होंगे। जब किसी कार्य में हम रम जाते हैं, जब किसी कार्य में हम बिल्कुल खो करके करते हैं, तो कई कई घंटे ऐसे बीत जाते हैं जिसको हमें पता भी नहीं चलता। समय तो बहुत थोड़ा है, लेकिन उसको हमें अपने कार्यों में उसको यूटिलाइज करना है, उसको समय में हमें उसको लेना है। तो हम समय को सदुपयोग करें, समय का के साथ चलें, समय को छोड़ करके नहीं, समय के आगे भी नहीं, समय के पीछे भी नहीं, समय के साथ चलें। और अपना समय कभी भी बर्बाद ना करें, समय का कभी भी दुरुपयोग ना करें, और सहजता से स्वीकार करें अपने गुबड़ों की, अपने उनकी आज्ञा को सहजता से स्वीकार करें। यही तो मनुष्य को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और निःसंकोच तीसरा कदम, जो हमारे अनुशासन की विशेषताओं का जो तीसरा कदम है, वो है निःसंकोच कठोर परिश्रम करना। हमें कोई देखता है या नहीं देखता, हमारी कोई प्रशंसा करता है या नहीं करता, हमें कोई आशीर्वाद देता है या नहीं देता, इसकी परवाह ना करते हुए हमें निःसंकोच कठोर परिश्रम करना चाहिए। और जो व्यक्ति निःसंकोच कठोर परिश्रम करता है, उसकी तो ईश्वर अवश्य ही सुनता है, उसको न्याय अवश्य ही मिलता है, वो कभी पीछे हो ही नहीं सकता। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम शिखर को छूना चाहते हैं, लेकिन केवल उसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हम छोड़ देते हैं, वो है निःसंकोच कठोर परिश्रम, विवेक पूर्वक कार्य करना, चिंतन पूर्वक कार्य करना। तो अपने चिंतन को बढ़ाएं, अपने विवेक को बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, आपकी सफलता तो कदम चूमेगी ही। तो हम अपने कार्यों को, इस अनुशासन को जो इसका मूल है, उसको लेकर के चले, मूल को नहीं छोड़े। जो हम बाहर देखते हैं, अपने जो कार्यों को करते हैं, जितने भी हम कार्यों को करें, उसके पीछे उसके जो मूल में है, उसकी जो नींव में है, वो है हमारा अनुशासन। तो हम अनुशासन को कभी भी न छोड़ें। इन सारी विशेषताओं से कि हम सहजता से हम कार्यों को स्वीकार करें, सहजता से अपने संस्कृति को स्वीकार करें, अपने धर्म को स्वीकार करें, निःसंकोच कठोर परिश्रम करें, समय का पालन करें, बहाने ना बनाएं, इन सबको जब साथ में लेकर के हम चलते हैं तो हमारा जीवन अवश्य महान बनता है। और हर एक व्यक्ति का जीवन महान हो सकता है, भगवान राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, आरुणी की तरह, उद्दालक की तरह, महर्षि दयानंद जी की तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह, इन सब की तरह, झांसी की रानी की तरह, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की तरह। लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर एक उत्साह होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक अग्नि होनी चाहिए। वो अग्नि हमें महान बनने से कभी नहीं रोक सकती, वो अग्नि हमें हमेशा प्रज्वलित रखनी चाहिए। अगर वो अग्नि बुझ गई तो बिना अग्नि के, अगर हमारे रसोई घर में अग्नि नहीं है तो भोजन नहीं पक सकता, अगर हमारे उदर में अग्नि नहीं है तो हमारा भोजन नहीं पच सकता। तो वैसे ही उत्साह में हमारे अंदर अग्नि नहीं है, हमारे अंदर जोश नहीं है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हर कार्य के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, हर कार्य के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। तो हम अग्नि को प्रज्वलित करके रखें, अपने जीवन को महान बनाने के लिए अग्नि को प्रज्वलित रखना बहुत अति आवश्यक है। जो भी व्यक्ति, चाहे हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे हमारे ऋषि ऋषिकाएं हुए हैं, चाहे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, उनके जीवन को हम अगर एक नज़र से देखेंगे, उन्होंने आभ्यंतर से, उनका उत्साह कभी नीचे नहीं हुआ, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं आई, उनके जीवन में कभी हताशा नहीं आई, और वो हमेशा अपने देश के लिए, वो हमेशा समाज के लिए, वो हमेशा ईश्वर के लिए कार्य किया उन्होंने। इसीलिए तो आज भी ये जो भारत देश है वो ऋषियों का देश है, तपस्वियों का देश है। ये हमारा सौभाग्य है
कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है और ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का हमें सौभाग्य मिला है। हम उनके उस पुरुषार्थ को, उसके उनके बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें, उसको हम आगे बढ़ाएं। जैसे कोई पुत्र है तो अपने पुत्र, वो अपने पिता की, अपने दादा की उस संपत्ति को आगे बढ़ाता है, उसका वो वारिस है, वो उस संपत्ति को आगे लेकर के जाता है, उस समाज को आगे लेकर के जाता है, उसका वो उत्तरदायित्व तो होता है। जैसे एक राजा का पुत्र होता है, वो राजा के बाद उसके पुत्र का उत्तरदायित्व तो होता है कि वो अपने राज्य को अच्छे से संभाले, वो अपने राज्य की अच्छे से रक्षा करे। वैसे ही हम सब एक ऋषियों की संतान है, हम महापुरुषों की संतान है, हम सब का, हम एक एक का कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। हम जब मिल करके, संगठित होकर के सब हम चिंतन करेंगे, हम विचार करेंगे, तो हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को और स्वयं को बहुत ऊंचा उठा पाएंगे, हम शिखर तक पहुंच पाएंगे, हम एक महान बन पाएंगे। महान बनने के लिए हमें महान सोच रखनी होगी, महान बनने के लिए हमें महान कार्य करने होंगे। इस विचार क्रांति ने हम अपने जीवन को, हम अपने विचारों को एक उच्च शिखर तक का हम विचार रखें, हम और उच्च कार्यों को करने के लिए हम उसके लिए चिंतन करें, विचार करें। तो इसी विचार क्रांति का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को चिंतन पूर्वक बढ़ाएं, क्योंकि हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है, मनन मन दिया है, वो सब मनन करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है। जो मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, वही मंत्र बन जाता है। तो हम अपने जीवन का मंत्र हम स्वयं खोजें कि हम अपने कर्ता, धर्ता, संघर्ता हम अपने स्वयं हैं। हमारा जो एक पालन पोषण करने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। हमें सेवा सबकी करनी है, हमें सहायता सबकी करनी है, लेकिन केवल और केवल जो अपेक्षाएं रखनी है वो ईश्वर से रखनी है और स्वयं से रखनी है। हम स्वयं अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। ओम शांति।